नमस्ते, आप सब कैसे हैं? आज हम टमाटर का अचार बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमने इस तरह का लाल लाल टमाटर लिया है। उसको हम अच्छी तरह से धो के पोंछ लेंगे कपड़े से, और यही वाला टमाटर लेना है हमको। सारे टमाटर को कट कर लेंगे और इसको ये वाला चीज को निकाल देंगे। गैस ऑन करेंगे तो सारा टमाटर को पहले ये वाला पीछे वाला काट लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम ये टमाटर से बनाने से अचार ज़्यादा खट्टा नहीं होता है, और वो जो हम देसी वाला बनाते हैं ना लाते हैं वो थोड़ा खट्टा पन से आ जाता है, और अचार के लिए यही वाला टमाटर बेस्ट है। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। उसके बाद टमाटर डाल देंगे। हम इसको मीडियम आंच में 15 से 20 मिनट इसको हम पकाएंगे, जब तक कि ये टमाटर गल ना जाए। इसमें पानी नहीं मिलाना है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही 5 मिनट में 2 मिनट के बाद इसको देख के चलाना है और ढक देना है, जब तक ये अच्छी तरह से टमाटर गल ना जाए। कम से कम 15 मिनट तो लगे जाएंगे मीडियम आंच में बना रहे हैं, जोर आंच में नहीं बनाना है। पांच मिनट हो गया है, ये अभी और पकेगा। इसको हम ढक देंगे। कम से कम पकाने में 10 से 12 मिनट लग गए हैं। अब हम इमली डाल देंगे थोड़ा सा, फिर इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। हमारा टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। इस तरह से गलाने के लिए हमको 12-14 मिनट तो लग ही गए हैं। मीडियम आंच तक ही करना है, जोर आंच में नहीं करना, नहीं तो टमाटर जल जाएंगे। अब हम गैस बंद कर देते हैं और उसके बाद थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। गरम गरम नहीं पीसना है,
और निकाल लेंगे, थोड़ा हल्का गर्म है, ज़्यादा नहीं। इसको निकाल के हम दरदरा पीसेंगे। देखिए इस तरह से हम पीसेंगे, पिसा गया ये। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसको कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। अचार बना रहे हैं, इसे तेल को थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। अब हम इसमें सरसों डालेंगे। हाँ तेल गरम नहीं हुआ था, हाँ इसमें हम सरसों डालेंगे। जीरा डालेंगे दो चम्मच, तेल गर्म नहीं हुआ था इसीलिए। आप ऐसा मत कीजिएगा, तेल गर्म होएगा तभी आप डालेगा। सरसों डाल दिए, जीरा डाल दिए, थोड़ी सी मेथी डाल देंगे, थोड़ा सौंफ डाल देंगे। के बाद हम हरी मिर्च डाल रहे हैं, आप रेड मिर्ची डालिएगा। अचार में तो रेड मिर्ची अच्छा लगता है, लेकिन हरी मिर्च डालें तो इनको बहुत पसंद है। अचार में मिर्ची, हरी मिर्ची डालना, इसलिए हरी मिर्च डाल दी। अब थोड़ा हींग डाल देंगे। इसके बाद ये जो पीसा हुआ कल था ना टमाटर, ये इमली का, इसको हम डाल देंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर दो चम्मच, आप अपने अनुसार डालिएगा। मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, आप इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं। हम करी पत्ता इसलिए नहीं डाले टमाटर के अचार में क्योंकि करी पत्ता का टेस्ट आ जाता है, टमाटर का टेस्ट कुछ अलग ही है। अब इसको हम ढक के पकाएंगे थोड़ा देर। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, ये देखिए हमारा टमाटो अचार, टमाटर का अचार देखिए तैयार हो गया। खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है, टेस्ट नहीं कर सकते। पहला ज़्यादा गर्म है, दूसरा खाना बनाते वक्त
कभी भी मुंह झूठा नहीं करना चाहिए। ये देखिए अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसको हम एक कंटेनर में निकालते हैं। ये देखिए मज़ेदार है ना टमाटर का अचार। देखिए ये हमारा टमाटर का अचार बनके तैयार हो गया। आप इसे 6 महीना साल भर अचार के तरीके से भी खा सकते हैं और चटनी के भी तरीके से खा सकते हैं। आप किसी तरह से भी खा सकते हैं। बस एक बार आप अपने घर में कोशिश कीजिए बनाने का और हमें बताइए ये आपको टमाटर का अचार कैसा लगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।